नमस्कार, रेडियो ओडिशार संध्या खबर को स्वागत करुछि मु प्रदीप्त। संपूर्ण खबर सुनिबा पूर्वरु आसंतु सुनिनेबा मुख्य खबर। बीजेडी रे जोगदले बरपाली एनएससी रो 8 काउंसिलर। नुआ दिल्ली गले कांग्रेस रो 3 नेता नरसिंह मिश्र, निरंजन पटनायक ओ अनंत सेठी। भंजनगर रे निशाशक्त अवस्था रे युवकंकु पिटी पिटी हत्या, 5 सांग अटक। आसंता काली ठारु उत्कल विश्वविद्यालय रु उठिबो साइनेडाय। फेब्रुआरी रु संबलपुर दे जीव राजधानी एक्सप्रेस। संभाव्य वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी। एथर संपूर्ण खबर। आज बरगढ़ जिला बरपाली एनएससी अध्यक्षा मीना सेठ और उपाध्यक्ष प्रद्युम्न त्रिपाठी समेत 8 जन काउनसिलर विधिवध भाव बीजेडी में सामिल होती। नवीन निवास में अनुष्ठित एक मिश्रण पर्व में दलर सुप्रिमो तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समस्त स्वागत कर। विजयपुर उपनिर्वाचन बीजेडी प्रार्थी रीता साहू नेतृत्व में बरपाली में 8 जन कांग्रेस काउनसिलर जथा अध्यक्षा मीना सेठ, उपाध्यक्ष प्रद्युम्न त्रिपाठी, अच्युत पंडा, अश्विनी परिडा, गायत्री राउत, रेवती भुए, बबिता रणा एवं सुखी बेहरा समेत बहु कांग्रेस कर्मी बीजेडी जोग देते। मिश्रण पर्व में सांसद प्रसन्न आचार्य, सांसद प्रसन्न पाटसाणी, रीता साहू और दलर अन्य नेतृवृंद प्रमुख उपस्थित थिले। आज राज्य कांग्रेस तीनी पुरुखा नेता नुआदिल्ली गस्त करी। विरोधी दल नेता नरसिंह मिश्र, निरंजन पटनायक और अनंत सेठी नुआदिल्ली अभिमुखे यात्रा करी, किंतु समस्ते व्यक्तिगत कामरे दिल्ली जाउथिबा गणमाध्यम को कही। तेबे आसंता काली एआईसी कार्यालय जाई सौजन्यमूलक साक्षात करिवे बोली नरसिंह मिश्र ओ अनंत सेठी कहते। तबे निरंजन पटनायक कहते कार्यालय डाकरा आसीबो जदि से जिबे। अन्य पक्षरे अनंत सेठी पीसीसी सभापति परिवर्तन नहीं कहते जे राज्य रे कांग्रेस को बचाइबा को निरंजन ही एकमात्र प्रार्थी। निरंजन सपक्ष रे से कहते 80% लोक चाहते। अक्टोबर 24 पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया शेष हेबो। उभय एआईसीसी और पीसीसी सभापति परिवर्तन हेबो बोली अनंत कहते। से हीपरी निरंजन पटनायक कहते जे पीसीसी सभापति परिवर्तन एआईसीसी अध्यक्ष निर्भर करे। उत्कल विश्वविद्यालय रे कॉलेज छात्र निर्वाचन अशांति को नहीं बलवत्तर थिबा साइनेडाई को हटा जाइछि। पुलिस कमिश्नर आलोचना पर आसंता काली साइनेडाई को उठाइबा को कॉलेज कर्तृपक्ष निष्पत्ति नहीं। आसंता काली ठु पूर्वभली विश्वविद्यालय रे पाठपढ़ा आरंभ हेबो। गतकाली अपराह्न 3:30 साइनेडाई उठिबा ओ विश्वविद्यालय स्थिति संबंधित बैठक बसीथिला। तेबे गतकाली बैठक रे विशेष किछि आलोचना होई पारि नथिला, जद्वारा साइनेडाई निष्पत्ति बलवत्तर रहिथिला। एहा परे आज विश्वविद्यालय स्थिति परखी कॉलेज कर्तृपक्ष पुलिस कमिश्नर वाई बी खोरानियांक सह आलोचना परे साइनेडाई हटिबा नै निष्पत्ति नैछन्ती। आसंता काली ठारु कैंपस रे थिबा समस्त हॉस्टल खोलिबा सह छात्र छात्री को रहिबा को सुजोग दिया जिवो। छात्र छात्री प्रवेश करिबा समय रे सेमानक परिचय पत्र दाखल करिबा बाध्यतामूलक हेबो। राजधानी एक्सप्रेस 2018 फेब्रुआरी रु सप्ताह रे गोटिए दिन संबलपुर दे जिवो। पूर्वतट रेलबाई पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार भुवनेश्वर रु यात्रा आरंभ करि प्रति शनिवार कटक, संबलपुर और झारसुगुडा दे नुआ दिल्ली रे पहुचिबो। पूर्वतट रेलबाईर मुख्य लोकसंपर्क अधिकारी मिलिथिबा सूचना अनुसार ट्रेन नंबर 20817 भुवनेश्वर नुआ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाया संबलपुर और झारसुगुडा दे फेब्रुआरी 10 रु यात्रा आरंभ करिबो। सहीपरि ट्रेन नंबर 20818 नुआ दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस फेब्रुआरी 11 रु चलिबो। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र और मुख्यमंत्री अवगत परे रेलमंत्री पीयूष गोयल राजधानी एक्सप्रेस संबलपुर दे जिबा को अनुमति प्रदान करिछन्ते। राज्य रे संभाव्य वज्रपात नहीं आज पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। राज्यर 16 जिले में संध्या 6:30 पर्यंत लोकमानंकु सतर्क रहिबा को परामर्श दिया जाइछि। से सबु जिलागुडी कहला खोर्धा, कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, जाजपुर, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, बरगढ़ और कंधमाल। राज्यर वज्रपात घटी दुई जनकर मृत्यु घटीथिबा बेले जणे गुरुतर होइछन्ती। जाजपुर धर्मशाला ब्लॉक भुवनपुर गाँव में वज्रपात घटिबारु जणे चासी
ଶରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି କାମାକ୍ଷାନଗର ଭୁବନ ବ୍ଲକ କୁନିନ୍ଦାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦେଲେ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସିର 8 କାଉନସିଲର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସର 3 ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, 5 ସାଙ୍ଗ ଅଟକ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଠିବ ସାଇନେଡାଏ। ଫେବୃଆରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଯିବ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଆଜିର ଖବର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।